अंडरग्राउंड चिकन मटन हंडी। राधानगर नाम के गांव में अजीत नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। एक बार वो अपने दोस्त से मिलने उसके गांव जाता है। अजीत उसके घर बनी हुई चिकन हंडी खाता है और खाने के बाद अजीत अपनी बीवी को फोन करके बताता है, अरे सीमा, क्या बताऊं मैं तुम्हें, आज मैंने क्या कमाल का चिकन हंडी खाया है अपने दोस्त के यहाँ। बहुत कमाल का चिकन हंडी बनाया उसने, मजा आ गया। और पता है, उसका चिकन हंडी बनाने का जो तरीका है वो भी बहुत अलग है। अरे वाह, आप वहाँ पर चिकन हंडी खा रहे हो और मैं यहाँ दाल रोटी खा रही हूँ। अरे तुम नाराज मत हो सीमा, मैं वापस आकर खुद तुम्हें वो चिकन हंडी बनाकर खिलाऊंगा। ऐसा कहकर अजीत फोन रख देता है और दो दिन के बाद वापस अपने गांव आता है और चिकन हंडी कैसे बनाते हैं ये सीमा को सिखाता है। वो अपने ही घर के आंगन में एक अंडरग्राउंड गड्ढा बनाता है, चारों तरफ कोयला डालता है और उसे जलाता है, और चिकन का सामान हंडी में डालकर वो हंडी कोयले के अंदर रख देता है और अंडरग्राउंड का ढक्कन खोल कर रखता है और सीमा से कहता है, सीमा, अब हमें इस हंडी को यहाँ पर एक घंटे के लिए रखना होगा, उसके बाद ही इसे खोलना है। ऐसा कहकर अजीत और सीमा एक घंटे की राह देखते हैं। उसके बाद अजीत वो अंडरग्राउंड का ढक्कन खोलता है और चिकन हंडी बाहर निकालते हैं। दोनों उस चिकन हंडी को खाकर बहुत खुश होते हैं। सीमा कहती है, सुनो अजीत, ये तो बहुत स्वादिष्ट चिकन बना है। इसका तरीका भी बड़ा ही अलग है। जैसे हमने चिकन हंडी बनाया है, क्यों ना हम मटन हंडी भी बनाएं? हाँ हाँ बिल्कुल, हम दोनों मिलकर बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं। अरे तो फिर कब? देखो, अभी हमारा इस लॉकडाउन की वजह से पूरा काम बंद ही है, लेकिन मेरे दिमाग में एक कल्पना आई है जिससे हम पैसे कमा सकते हैं। वो कैसे सीमा? ये जो अंडरग्राउंड चिकन और मटन हंडी है, इसे हम ऑर्डर पर बनाते हैं और बेचते हैं। जैसे जैसे ऑर्डर मिलेंगे वैसे हमें पैसे भी मिलेंगे। मुझे यकीन है कि ये चिकन हंडी सबको पसंद आएगी। अरे वाह सीमा, तुम्हारा सुझाव तो बहुत ही अच्छा है। दूसरे दिन से ही अजीत घर के सामने एक बोर्ड लगवाता है जिसमें लिखकर होता है कि यहाँ पर ऑर्डर पर चिकन मटन हंडी बनाकर मिलेगी। लोग भी उस बोर्ड को देखकर चौंक जाते हैं कि ये किस प्रकार की नई डिश है। लोग अजीत को फोन पर ऑर्डर देने लगते हैं। एक आदमी कहता है, सुनो अजीत, मुझे दोपहर तक एक चिकन हंडी चाहिए, क्या मुझे मिलेगी? हाँ हाँ, आपको 1 बजे मिल जाएगी। इस तरह अजीत अंडरग्राउंड चिकन हंडी बनाता है और अपना पहला ऑर्डर उस आदमी के पास पहुंचाता है। अंडरग्राउंड चिकन हंडी खाकर वो आदमी बहुत खुश हो जाता है और वो अजीत की बहुत तारीफ भी करता है। इस तरह से अजीत की अंडरग्राउंड चिकन मटन हंडी कम समय में ही पूरे गांव में मशहूर हो जाती है और उसे अच्छे खासे पैसे मिलने लगते हैं। वो दोनों बहुत खुश रहते हैं, लेकिन अजीत का पड़ोसी दोस्त मदन उस पर बहुत जलता है। वो कहता है, ये क्या शुरू किया तुमने, बहुत तारीफ सुन रहा हूँ आजकल तुम्हारी। ये अंडरग्राउंड चिकन मटन हंडी है, खाने में ये बहुत स्वादिष्ट होती है मदन, कभी आना खाने के लिए। अजीत की बात सुनकर मदन वहां से चला जाता है, लेकिन मन ही मन में वो अजीत का बिजनेस खराब करने की प्लानिंग करता है और एक दिन चुपके से अजीत के अंडरग्राउंड चिकन हंडी में ज्यादा मिर्च डाल देता है। लेकिन ये करते वक्त अजीत का एक ग्राहक दूर से ही उसे देख लेता है और जाकर सीमा को बता देता है। सीमा जल्दी से वो चिकन हंडी बदल देती है। अच्छी वाली चिकन हंडी ग्राहक के पास वो भेज देती है और ज्यादा मिर्च वाली चिकन हंडी खाने के लिए वो मदन को बुलाती है। मदन जैसे ही वो मिर्च वाली चिकन हंडी खाता है वो चिल्लाने लगता है, बाप रे बाप, पानी पानी, अरे पानी, मर गया रे, अरे पानी। क्यों मदन भैया, कैसी लग रही है चिकन हंडी? मुझे सब पता चल गया था कि आपने चिकन हंडी में ज्यादा मिर्च डाल दी थी हमारा बिजनेस खराब करने के लिए। अरे ये तुम क्या कह रही हो सीमा? जी हाँ, हमारे एक ग्राहक ने खुद अपनी आंखों से देखा था मदन भैया को मिर्च पाउडर डालते हुए। अरे मुझे माफ कर दे अजीत, लेकिन मुझे पानी दे दे यार। ऐसा कहकर मदन अजीत और सीमा से माफी मांगता है और अजीत उसे पानी देकर छोड़ देता है। इस तरह से अजीत और सीमा की चिकन मटन हंडी का व्यापार और भी बढ़ जाता है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। फूड चैलेंज। कृष्णापुर नाम के गांव में रामू और सोनू नाम के दो दोस्त रहते थे।
वो दोनों अच्छी तरह से पढ़े लिखे और बुद्धिमान थे, लेकिन उन्हें सही नौकरी नहीं मिलने की वजह से वो खाली घूमा करते थे। वो दोनों एक होटल में एक साथ भोजन करते थे, लेकिन होटल का मालिक कर्मचारियों पे थोड़ी भी दया, करुणा या मानवता नहीं रखता था। वो उन्हें ठीक से खाना भी नहीं देता था और गधों की तरह काम करवाता था। ये देखकर रामू और सोनू ने कहीं बाहर होटल के मालिक को समझाया, लेकिन होटल के मालिक पर कुछ भी असर नहीं हुआ। क्या साहब, इतना बड़ा होटल चला रहे हो, लेकिन ये काम करने वाला लड़का बहुत मासूम है। उससे हर रोज इतना काम करवाते हो और उसे वक्त पर खाना भी नहीं देते हो। बचा हुआ खाना फेंकने की बजाय इसे भी तो दे सकते हो ना। आप उसकी तरफदारी मत कीजिए, मैं उसे उचित खाना देता हूँ, क्योंकि वो मोटा होकर कुछ भी काम नहीं करेगा। मगर मेरे होटल के बारे में तुम्हें क्या है बताओ। हाँ, हमें क्या है, हम तो इंसानियत के लिए पूछ रहे थे। आप कुछ बुरा मत मानना। आपके पास कोई काम धंधा नहीं है, फिर हमारे होटल के बारे में इतनी खोजबीन क्यों कर रहे हो? पहले जाकर अपने काम से मतलब रखो, उसके बाद कुछ करना। अपनी नौकरी ढूंढो पहले, फिर किसी के ऊपर उंगली उठाना। जाओ। ठीक है ठीक है, ज्यादा बातें मत करो। हम जानते हैं कि हमें अपनी नौकरी कैसे हासिल करनी है, हमें आपकी मुफ्त की सलाह की आवश्यकता नहीं है। देखा, सच बोला तो चुप गया ना, वैसा ही होता है। जब बात खुद पे आए तो गुस्सा तो आता ही है, तो मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हो, मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? रामू और सोनू होटल के मालिक को किसी भी तरह सबक सिखाने के लिए एक फूड चैलेंज के बारे में सोचते हैं। अरे सोमू, हम शर्त लगाएंगे कि इस होटल में कौन ज्यादा खाना खाएगा। हम दोनों में से जो हारेगा उसे होटल के मालिक के पास एक दिन काम करना होगा। हाँ हाँ, ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है। हेलो होटल के मालिक साहब, आप ही हमारे फूड चैलेंज के न्यायाधीश बनिएगा, ठीक है ना? ठीक है साहब, जितना खाना है खाओ, लेकिन पैसे देकर जाना। तुम्हारे पैसे कहाँ जाएंगे साहब? उन दोनों की बात सुनकर होटल का मालिक मन में सोचता है, मासूम बेवकूफ, वे दोनों शर्त लगाकर मेरा फायदा ही कर रहे हैं, कैसे पागल लोग हैं। और जो हारेगा वो मेरे होटल में एक दिन काम करने की शर्त रख रहे हैं। इस तरह से भी मेरा ही फायदा है, पैसे के पैसे और खुशी की खुशी, बहुत अच्छा है। रामू और सोमू सब खाने के पदार्थ सामने रखकर खाना शुरू करते हैं। वो बहुत देर खाने के बाद खाना ना खा सकने की वजह से एक दूसरे को कोसना शुरू करते हैं। अरे बासी मुंह वाले, मैं जीत गया रे। अरे भुलक्कड़ साले, मैं जीता रे, तू खाया चींटी जितना, मैं खाया हाथी जितना। अरे पागल साले, मैं ही ज्यादा खाया रे, तेरी आंखें कमजोर हुई हैं क्या, मैं ही जीता हूँ। अरे भाई, अब कौन जीता है ये छोड़ दो, लेकिन मेरे पैसे दो स्वामी। कौन से पैसे साहब, तुम्हारे होटल का बचा हुआ खाना खा के हमारा पेट बिगड़ गया है, अब मैं उल्टी करूंगा तो तुम ही ले लेना। तुम्हारा बकवास खाना मुझे क्यों रे भाई, मेरे दोस्त ने बकवास शर्त लगाई, मैं भी हाँ में हाँ बोल दिया, बस उतना ही। अच्छा ठीक है, तुम्हारा बिल मैं भरूंगा। तो क्या मैं पागल हूँ, रेस्कल, मैं ही भरूंगा, मैं ही भरूंगा। तू कौन है रे बिल भरने के लिए? मैं कौन हूँ बोलता है क्या, है कल तुम्हें इसी होटल में मैं ही लाया था। अरे भाई भाई भाई, कोई तो मेरा बिल दे दो यार, तुम्हें पुण्य मिलेगा। तो ठीक है सोमू, तू इतना दुखी क्यों हो रहा है, तू ही बिल भर दे। मेरा क्या जा रहा है, तू ही बिल भर दे, मेरे पास पैसे नहीं है। पेट भर लिया और बोलता है बिल भर, मैं क्यों भरूं? अभी तो बोला था ना कि मैं बिल भरूंगा। जो भी मन में आए वो बक रहा है, तेरा दिमाग खराब हुआ है क्या, पागल वागल हो गया है क्या? क्या बकवास कर रहा है, जो मन में आए बोल रहा है। इस तरह से कहते हुए रामू और सोमू मारपीट करना शुरू कर देते हैं। उस झगड़े में दोनों मिलकर होटल के मालिक के ऊपर गिरने से एकदम से होटल का मालिक मर गया रे कहकर चिल्लाने लगता है। दोनों मिलकर होटल का सामान एक दूसरे पर फेंकना शुरू कर देते हैं। होटल को युद्ध भूमि जैसा बनाने से उस होटल का मालिक ऐसा कहता है,
अरे साहब 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 दोनों झगड़ा मत कीजिए साहब, झगड़ा मत कीजिए, आप बिल मत भरिए साहब, जाइए जाइए, आप दोनों मेरे होटल से निकल जाइए, बस करिए साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, पैर जोड़ता हूँ, सब कुछ जोड़ता हूँ, मालिक मेरे होटल को छोड़ कर चले जाओ साहब, प्लीज प्लीज साहब मेरे होटल को छोड़ दो रे, होटल को छोड़ दो। ठीक है रे, ये इतना दुखी हो रहा है तो हम चलते हैं इधर से, चलो। ठीक है, तेरी मर्जी, चलो चलते हैं। ये कहते हुए वो दोनों वहां से चले जाते हैं और झगड़े का अंत हो जाता है। उन दोनों ने ऐसा क्यों किया, मालिक को समझ में आ जाता है। इस तरह वो अपने होटल में काम करने वाले सभी लोगों से मिलजुल कर रहने लगता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना